अगर औरत बाकायदा हिजाब के साथ अपने आप को रखे तो अदियत से दो चार नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे मुल्क में नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, तकरीबन तहजीब और कल्चर एक सा है। इन दोनों मुल्कों में अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आज ऐसी वारदात सुनने को मिलती हैं जिन वारदात को सुनने के बाद इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है, शराफत थर्रा उठती है, हया कांपने लगती है। और वो वारदात जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर ना हो, यानी बेहयाई, बेपर्दगी, फहशकारी, अय्याशी का रास्ता खोलने के बाद जिना के करीब इंसानों का दाखिल हो जाना, ये इतने भयानक आमाल हैं जिन आमाल की बुनियाद पर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लानत और उसके गजब का मुस्तहिक हो जाता है। दुनिया में इंसान जीने का हक नहीं रखता। अगर कोई इंसान शादीशुदा होने के बाद नऊज़ बिल्लाह फहशकारी का मुर्तकिब बन जाए तो ऐसे इंसान को इस्लाम जिंदगी गुजारने का मौका नहीं देता। जबकि इस्लाम बुनियादी तौर पर कुफ्र के साथ, इल्हाद के साथ, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत के साथ भी जीने का हक देता है। लेकिन आप गौर करो, अगर कोई इंसान शादी हो जाने के बाद, चाहे वो मर्द हो या औरत, जिना कर बैठे तो ऐसे मुजरिम इंसान को इस्लाम जिंदगी गुजारने का हक नहीं देता। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपके सामने तफसील पेश करूं, मैं सिर्फ आपके सामने दो तीन बातें पेश करने के बाद इंशाअल्लाह रुखसत होना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आज हम लोग जब इस्लामी तारीख के हवाले से, कुरानी आयात के हवाले से इस बात को पेश करते हैं, वईदल मऊद तो सुलत बेदमिर कुतिलत, ऐ नबी लोगों से बयान कर दो कि कयामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पूरी इंसानियत को हाजिर करेगा तो पूरी इंसानियत के सामने जो बच्ची जिंदा दरगोर कर दी गई थी उससे सवाल करेगा, किस गुनाह की पादाश में तुझे सफाकियत के साथ कत्ल किया गया था। तो हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। शायद हमारी अक्ल इस बात को कबूल न करे कि क्यों कर कोई इंसान अपने मासूम बच्चे को जिंदा दरगोर करने की कोशिश करता था। लेकिन अगर मौजूदा दौर में अपने माशरे पर निगाह डाली जाए तो कहीं ना कहीं हमारे माशरे के बहुत सारे मुजरिमीन इन मासूम बच्चों और बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कत्ल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको उसकी चंद मिसालें दे सकता हूं। आए दिन